अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कनाडा के RNIP प्रोग्राम पे, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये एक बहुत फेमस प्रोग्राम है और बहुत से लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। ये बेसिकली एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल से इस प्रोग्राम के ओवरव्यू पर बात कर रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के मेजर बेनिफिट्स क्या है, और आप लोगों से मैं शेयर कर रहा हूँ कि कौन सी कम्युनिटीज़ हैं जो RNIP प्रोग्राम के अंडर आती हैं, जिनमें आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताऊँगा, और फाइनली आपके साथ शेयर करूँगा कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करके डिफरेंट जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। तो आते हैं वीडियोस पे, ओवरव्यू ऑफ RNIP। अब देखें, मोस्टली इमिग्रेंट्स जो कनाडा में लैंड करते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं टू सेटल इधर इन टोरंटो और इन ओटावा और इन वैंकूवर या इन मॉन्ट्रियल। तो ये जो नॉर्दर्न साइड पे जो रूरल एरियाज़ हैं, यहाँ पे लोग जो है वो कम ही इंटरेस्टेड होते हैं। तो कैनेडियन गवर्नमेंट जो है इन एरियाज़ को आबाद करने के लिए दे केम अप विद दिस प्रोग्राम, कि उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं उन एरियाज़ की, उनको इन इमिग्रेंट से बूस्ट अप किया जाए। अब अगर देखा जाए तो ये एक विन विन सिचुएशन है। अब कैनेडियन गवर्नमेंट को इमिग्रेंट्स चाहिए जो उन रूरल और नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करें और उनकी इकोनॉमी में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करें। वेयर एज़ हम लोगों को या जो डिवेलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी टॉप प्रायोरिटी ये होती है कि वो एट द एंड ऑफ द डे कनाडा पहुंचे। तो इसलिए ये प्रोग्राम डिज़ाइन ही उन लोगों के लिए किया गया है जो कि उन रूरल और नॉर्दर्न एरियाज़ में जाने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो मैं बात करूंगा मेजर एडवांटेजेस की। अब देखिए, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है RNIP का, ये बेसिकली एक PR बेस्ड प्रोग्राम है। RNIP में सबसे पहले तो आपके पास एक वैलिड जॉब ऑफ़र होना चाहिए उन कम्युनिटीज़ में कि जो RNIP का पार्ट हैं। मैं लेटर स्टेज ऑफ दिस वीडियो आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे डिटेल से आपको शो करवा रहा हूँ कि वो कौन सी 11 कम्युनिटीज़ हैं और उस पर किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है। तो पहले तो आपने एक जॉब सिक्योर करनी है। अब जॉब सिक्योर करने के बाद उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में आपने अप्लाई करना है फॉर रिकमेंडेशन लेटर, ठीक है। आफ्टर दैट आप फिर RNIP के थ्रू यू विल बी मूविंग टू कैनेडा। तो मैं आपको अब अपने सिस्टम पे लिए चलता हूँ और स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से आपने अप्लाई करना है। तो चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। जी व्यूअर्स, तो हम आ गए हैं canada.ca की वेबसाइट पे, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट। सबसे पहले देखते हैं कि हु कैन अप्लाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए। सबसे पहले वर्क पे आते हैं, तो आपके पास मिनिमम 1 ईयर का फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब किन नॉकआउट्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, देखें आपका नॉकआउट अगर ओ है, BCD, यानी कि हर कैटेगरी में अप्लाई किया जा सकता है कि वट एवर योर नॉकआउट इज़, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए ECA यानी कि एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट करवाना जो है वो लाजमी होता है, और आपका जो एजुकेशन है वो पोस्ट सेकेंडरी 2 ईयर्स लॉन्गर यानी कि 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो होना चाहिए। उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स में आप देख सकते हैं कि अगर आपका नॉकआउट 0 या A है तो आपको मिनिमम CLB 6 चाहिए होगा, ठीक है। CLB जो है ये कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क है, NCLC फ्रेंच लैंग्वेज के लिए होता है। अगर आपका नॉकआउट B कैटेगरी में है तो आपको CLB 5 रिक्वायर्ड होगा, और अगर आपका नॉकआउट C और D कैटेगरी में है तो फिर आपको जस्ट CLB 4 वुड बी इनफ, जिस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो आपका IELTS का स्कोर है ये 2 साल के लिए वैलिड होता है। अगर मैं फ़ंड्स की बात करूँ कि आपको कितने फ़ंड्स चाहिए हैं, तो ये लिस्ट है। अगर आप अकेले कनाडा में मूव हो रहे होंगे थ्रू RNIP, तो इफ़ यू आर लोन, तो 9096 कनेडियन डॉलर्स की रिक्वायरमेंट होगी, इतनी आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। इफ़ यू आर टू पीपल देन 11,323,
तो इस तरह से जैसे आपके फैमिली मेंबर्स इंक्रीज़ होते जाएंगे, उस तरह से फंड्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएंगी। और RNIP में आपके सिलेक्शन के बाद आपकी पूरी फैमिली को PR मिल रहा होता है और पूरी फैमिली मूव कर रही होती है। अब देखिए जी, ये वो स्टेट्स हैं जिनकी मैं आपसे बात कर रहा था कि जो RNIP के अंदर आते हैं। से मैं फर्स्ट जो है मतलब मैं इसमें मूज जॉब को अगर सिलेक्ट करता हूँ तो ये मेरे पास मूज जॉब की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें सबसे पहले तो आपको अपना प्रोफाइल क्रिएट करना होगा, ठीक है जी। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए क्लिक करेंगे तो सबसे पहले स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। इस तरह से आप थ्रू क्लिक्स अपना प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं। अब इसमें ये पूछ रहे हैं आपसे, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके आपका CLB 4 है या उससे ऊपर है या नहीं है, तो आपने येस या नो करना है। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस का आंसर करेंगे और आपका प्रोफाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। देन हमने देखना है कि हम किन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी अभी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो हम करंट अपॉर्चुनिटीज़ पे क्लिक करेंगे एंड देन हमारे पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पे आप देख सकते हैं कि मूज जॉब में इस कम्युनिटी में इफ़ यू आर फ्लोर कवरिंग इंस्टॉलर तो उसकी ज़रूरत है, कंप्यूटर प्रोग्रामर की ज़रूरत है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत है, फूड सर्विस सुपरवाइज़र की ज़रूरत है, लाइन कुक की ज़रूरत है, लॉन्ग हॉल ट्रक ड्राइवर की ज़रूरत है, लाइन कुक की ज़रूरत है, बुचर हेल्पर की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल बुचर की ज़रूरत है, MSIP कारकास स्क्रीनर, ये वो लोग हैं कि जिनकी अभी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज़रूरत है। तो इसी तरह से आप इन सब कम्युनिटीज़ में जाके अपने प्रोफाइल से रिलेटेड जहाँ जहाँ पे भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी आप उन जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जी व्यूवर्स, तो जैसे आपने देखा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बहुत कम है और वो जो 11 कम्युनिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, उसमें किस तरह से अप्लाई किया जाता है। मैंने आपको जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल एक मूज जॉब जो एक कम्युनिटी है उस पर किस तरह से प्रोफाइल क्रिएट करके जॉब्स पे अप्लाई किया जाता है आपको वो दिखाया है। इसी तरह से आप रिमेनिंग 10 कम्युनिटीज़ जो हैं उसमें भी प्रोफाइल क्रिएट करके जॉब्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सब कम्युनिटीज़ के लिंक्स डाल रहा हूँ जिन पर आप क्लिक करके जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थी व्यूवर्स मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।